कल को समरीन आप मुझे बताइए, क्या आपको गर्व महसूस नहीं होगा जब ये चेहरे भारत की संसद में बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे? होगा ना गर्व? ये गर्व मैं चाहता हूँ हर बिहारी महसूस करे। आप राजेश की आप क्वालिफिकेशंस देखिए, शांभवी की आप देखिए। मैं उनको दोबारा टिकट नहीं दूंगा, और हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि दोबारा मौका क्यों दिया। कुछ नहीं, आपसे वीना जी की आप बात कर रही हैं, एंड लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। मैं आपके सवाल से अपने आप को जोड़ता हूँ, और बिल्कुल ये बातें मैंने कही थी, और वो शिकायत समरीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो शिकायत मेरी इनसे रहेगी। रहेगी, बिल्कुल रहेगी। मैं इनसे, मैं ये शिकायत करता रहूंगा कि क्यों उस वक्त आपने ऐसा किया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन, और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जिन लोगों ने धोखा दिया था, मैं उनको दोबारा टिकट नहीं दूंगा, ये बातें कही थी LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। लेकिन आपको मालूम है कि बीते दिन चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से। सबसे पहले तो चिराग, आपकी फौज आपके साथ मौजूद है मेरे लिए, लेकिन दो लोग मिसिंग हैं। नहीं, एक तो आ गई, एक आ गई, एक मिसिंग है। हाँ, अरुण भारती जी, उनका पहले चरण में ही उनका चुनाव है, तो ऐसे में वो पूर्णतः वो जमुई में काम कर रहे हैं, और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि जब प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार की जब वो शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने जमुई को ही चुना। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरी पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता के लिए ये बड़ी बात है कि सबसे पहले वो जमुई की धरती से वो अपने चुनावी प्रचार की बिहार में वो शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में हम सब उनके इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। आपने मेरे प्रत्याशियों का जिक्र किया, यकीनन मेरे लिए गर्व की बात है कि पार्टी ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि युवाओं का उचित रिप्रेजेंटेशन भी किया। आपने मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा होगा, मैं अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाता हूँ। अभी कुछ और साल बाकी हैं, मैं युवा बिहारी लगा सकता हूँ। आप युवा ही हैं। अभी जब तक हूँ तब तक लगा। मोस्ट पॉपुलर बैचलर हैं आप चिराग। रियली, थैंक यू। अब आप इससे पहले किसी और प्रश्न पे जाए, मैं इसका जवाब दूँ कि युवाओं की हम लोगों ने इससे बात नहीं की, युवाओं को का वो रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने दिया। देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, लगभग 65% आबादी देश में 35 वर्ष से कम आयु की है। ऐसे में उनका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इनसिक्योर होते हैं अपने समकक्ष युवाओं को आगे बढ़ाने में। अच्छा, इशारा किसकी तरफ है? मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बातों को रख रहा हूँ। कन्हैया कुमार का पत्ता साफ हो गया। अच्छा, मुझे नहीं पता। ऐसे में मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी पार्टी ने ये फैसला लिया युवाओं को, और कैसे युवा, पढ़े लिखे युवा। कल को समरीन आप मुझे बताइए, क्या आपको गर्व महसूस नहीं होगा जब ये चेहरे भारत की संसद में बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे? होगा ना गर्व? ये गर्व मैं चाहता हूँ हर बिहारी महसूस करे। आप राजेश की आप क्वालिफिकेशंस देखिए, शांभवी की आप देखिए, जितने पढ़े लिखे बैकग्राउंड से ये आती हैं। मेरे जीजा जी के तमाम काबिलियत को समाहित कर दिया जाता है ये कहकर कि ये चिराग पासवान के जीजा हैं। प्लीज़ गो थ्रू हिज क्वालिफिकेशंस। विदेश लंदन से पढ़ के आए, MBA की डिग्री, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, उनकी अपनी माँ एक बहुत बड़ी बिहार की राजनेता वो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पार्टी ने ध्यान में रखा, युवा जोश को ध्यान में रखा, शिक्षा को। मैं कहता हूँ 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मेरे लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही आपको ये जात पात धर्म मजहब के झमेलों से बाहर लेकर विकसित राज्य की दिशा में आपको अग्रसर कर सकती है। तो ऐसे में पार्टी ने इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा। क्या लगता है, नया एक्सपेरिमेंट किया है चिराग आपने, कारगर साबित होगा या नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, किसी को करना होगा और मतलब तो ये बातें बिल्कुल नहीं, और ये बातें कहने से नहीं होगा। मुझे लगता है मैं बिहार की राजनीति में एकमात्र ऐसा नेता हूं जो खुले मन से ये कहने की हिम्मत रखता है कि मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं खुले मन से सिर्फ और सिर्फ बिहारियों की बात करता हूँ, 13 करोड़ बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। मैं किसी जाति फर्स्ट या किसी किसी वर्ग विशेष की मैं बात नहीं करता, मैं सबको साथ लेकर चलने की बात करता हूँ। तो ऐसे में पार्टी ने भी जो ये फैसला लिया, ये इस जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, मैं मानता हूँ किसी को इसकी शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है युवाओं का साथ तो इन लोगों को मिलेगा, बुजुर्गों का, महिलाओं का,
भाई हम लोगों ने नारी शक्ति नारी बंधन अधिनियम हम लोग लेकर आए, मेरी पार्टी ने सीमित संख्या ही सही बट 5 में से 2 40% महिलाओं को भी हम लोगों ने मौका दिया। देश की आधी आबादी को जहां ये रिप्रेजेंट करेंगी तो वहीं देश का एक बड़ा वर्ग जो युवाओं का है उनको भी रिप्रेजेंट करेंगी। और अनुभव बीजेपी के लिस्ट से महिलाएं गायब हैं चिराग, मैं अपनी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं और मैं जब अब अपने गठबंधन की अब मैं बात करता हूं तो हम लोग उसी गठबंधन का हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, माझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, हम सब पार्टियों ने एक साथ मिलकर हम लोगों ने अलग अलग वर्ग अलग अलग समीकरणों का रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि चिराग पासवान ने एक लाइन कही थी और साफ साफ कहा था कि जिन्होंने भी धोखा दिया है मैं उनको दोबारा टिकट नहीं दूंगा, और हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं तो हम जानना चाहते हैं कि दोबारा मौका क्यों दिया। कुछ नहीं, आपसे वीना जी की आप बात कर रही हैं एंड लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। मैं आपके सवाल से अपने आप को जोड़ता हूँ और बिल्कुल ये बातें मैंने कही थी और वो शिकायत समरीन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो शिकायत मेरी इनसे रहेगी बिल्कुल रहेगी। मैं ये शिकायत करता रहूँगा कि क्यों उस वक्त आपने ऐसा किया, पर छोटे दिल से आप बड़ी राजनीति नहीं कर सकते हैं। माफ़ी मांगने वाले से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है, बट माफ़ी मांगने वाला कौन और कब माफ़ी मांग रहा है इस भी बुद्धि विवेक का आप ही को ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई और लोगों ने माफ़ी मांगी बट कब मांगी, जब सीटों की घोषणा हो गई, सिर्फ सीट लेने के लालच में अगर कोई माफ़ी मांग रहा। वहीं अगर आप वीना जी का अगर आप जिक्र करें, इनको अगर आप देखें, जब मेरी नानी का निधन हुआ था तब से ना सिर्फ ये मेरे परिवार के साथ, मेरी माँ के साथ, बल्कि पार्टी के साथ हर कार्यक्रम में ईमानदारी से रहीं। इनकी आंखों में मैंने वो पश्चाताप महसूस किया जो मैंने किसी और की आंखों में नहीं किया। इसीलिए भाई अगर करना ही होता, मैं कई और थे जो मेरे दरवाजे पर थे, महबूब अली कैसर जी और भी कई और थे जी। पर अगर नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में ना मैंने वो रिग्रेट देखा, ना वो प्रयास मैंने तब देखा जब समय रहते आप चीज़ों को आप सुधार सकते थे। टिकट की घोषणा के बाद अगर कोई आता है तो वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो लोग आने का कार्य कर रहे थे। हैविंग सेड इट ऑल समरीन, पार्टी जब कोई फैसला लेती है तो बहुत स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें हम लोग के सामने आती हैं। बहुत से सर्वेस कराए गए, विनिबिलिटी को क्राइटेरिया रखते हुए सर्वेस कराए गए, फीडबैक्स लिए गए अलग अलग संस्थाओं से, पार्टी के संगठन से, विभिन्न तरीके से, आप लोगों से, पत्रकार साथियों से भी, उनसे बातचीत कर ये फीडबैक्स लिए गए और उसके आधार पर पार्टी ने विनिबिलिटी क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया। पार्टी के समर्पित सिपाही होने के नाते हम सब ने अपना विश्वास पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले पर जताया है। और मैं तो खुद आपको अपनी भावना से जोड़ रहा हूँ कि भाई शिकायत तो मुझे भी है बट उसके बाद भी जैसा मैंने कहा कि राजनीति का विद्यार्थी हूँ, दल प्राथमिकता है, व्यक्ति मेरी भावना प्राथमिकता नहीं है। ऐसे में जो भी फैसला पार्टी ने ले लिया है अब उस फैसले के साथ लगकर 5 की 5, 40 की 40 और 400 पार का लक्ष्य अब उसको साथ। लेकिन चिराग को एक बड़ा झटका भी लग गया, अरुण कुमार ने साथ छोड़ दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उनके संपर्क, अगर जहानाबाद नहीं था तो वैशाली दे देते ना। मैं उनकी भावनाओं से मैं सहमत हूँ, उनको जो पीड़ा हुई है, बट हाँ पहली बात उनकी उम्मीदें नवादा और जहानाबाद को लेकर थी। ऐसे में जो सीटें मेरे खाते में ही नहीं आई, प्रयास किया था चिराग, मैंने प्रयास किया था, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बट अब जब आप गठबंधन में हैं तो आपको गठबंधन की भावनाओं को भी आपको समझना होगा। ऐसे में जब वो सीटें ही मेरे पास नहीं आए, पर हाँ हैविंग सेड दैट ऑल, मैं उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैंने उनसे मैंने बातचीत की, भाई मेरे पार्टी के नेता हैं और मैं किसी भी अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ता को समरीन ये समझना भी होगा, मैं सिर्फ मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी भी सीमाएं हैं, काफी मुशक्कत के बाद मेरी भी मजबूरी है। भगवान करे कल को ऐसा दिन आए जब मैं 543 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं, उस वक्त मैं पार्टी के तमाम साथियों को मैं संतोष करूंगा, भगवान करे कि एक दिन ऐसा आए। बट जब मैं सीमित संख्या पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसे में सबको समाहित करना नहीं संभव है। और मैं तमाम उन लोगों की नाराज़गी का भी मैं सम्मान करता हूँ जिनको पार्टी से यकीनन अपेक्षाएं रही होंगी, उम्मीद रही होगी, निराशा हाथ लगी,
पर हाँ, मैं तमाम उन नेताओं के मैं संपर्क में हूँ। मुझे खुशी है कि धीरे 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 सब पार्टी की उस भावना को समझ रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आज हम लोग 5 सीटों के लिए लड़ रहे हैं। पर सोचिए, आज से 3 साल पहले वो भी दिन था जब 5 तो भूल जाइए, चिराग पासवान खुद कहीं से चुनाव लड़ने की हैसियत रख पाएगा कि नहीं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह थे। लोगों ने मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी थी, सक्रिय राजनीति से मेरी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। हम लोग उस दौर से निकल कर आए हैं और मैं मानता हूं समरीन, ईमानदारी से, ये सिर्फ एक पड़ाव है। इस पर हम लोग सफलतापूर्वक पहुँचे हैं, ये पार्टी के लिए गर्व की बात है, बट महज ये पड़ाव है। अभी लंबी लड़ाई आगे है और हम लोग की सबसे बड़ी लड़ाई बिहार विधानसभा के चुनाव है। हम सब बिहारी हैं और जितने लोगों का आपने जिक्र किया, मेरे कोई अभी गुजरात के साथी नाराज़ नहीं हो रहे या मेरे कोई पंजाब के साथी नाराज़ नहीं हो रहे कि हमको लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया। बिहार के लोग हैं और उन लोगों के लिए एक बड़ी लड़ाई अभी आगे आने वाले रन बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब हम लोग लग जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है आप तो चाचा पारस भी भतीजे के लिए वोट मांगेंगे हाजीपुर में? नाराजगी दूर हो गई, लिख दिया मोदी का परिवार। अच्छी बात है, गठबंधन में रहे। मतलब पहली बात, अलग होने की जरूरत भी नहीं थी, इस्तीफा देना और ये सब करना वो करना, फिर अलग अलग दरवाजे पे जाना, मुझे नहीं लगता इन सब बातों की जरूरत थी, बट अच्छी बात है वो गठबंधन में आए हैं, अच्छी बात है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। देखिए, हमने आपको दिखाया है कि चिराग पासवान के साथ उनकी फौज भी मौजूद थी, तो हमने भी सीधी बातचीत की है राजेश वर्मा जी से और जानने की कोशिश की है कि आखिर राजेश वर्मा खगड़िया का रन कैसे जीतेंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं राजेश। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए राजेश वर्मा जी, सबसे पहले तो खूब सारी बधाई राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। अच्छा, चिराग ने आप पर भरोसा किया है, लग रहा था कि चिराग सिंबल देंगे, टिकट मिलेगा राजेश जी को? नहीं, बिल्कुल, जैसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। आपको भी नहीं मालूम था? जी, मतलब ये बहुत लेट से मुझे मालूम चला कि पार्टी में अलग अलग तरीके से सर्वेज हो रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं लेकिन खगड़िया लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला रहा है, तो उस सीट से मेरे नाम की चर्चा होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का जैसा था और उसमें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे ये मौका दिया, तो मैं इसके लिए उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने पहले भी एक बार मेरे पर विश्वास किया था और इस बार फिर 2024 में उन्होंने विश्वास किया है और ये विश्वास उनका कभी नहीं डगमगाएगा। और एक युवा बिहारी होने के नाते और हमारे युवा राष्ट्र अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चलते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आसान नहीं होने वाला है इस बार खगड़िया का रन जीतना, मालूम है आपको महबूब अली कैसर भी हैं, क्या लगता है क्या कमाल कर पाएंगे राजेश जी? देखिए, चुनाव नाराज बैठे हैं महबूब अली कैसर जी। देखिए, मैं वार्ड का चुनाव, जो राजनीति का सबसे छोटा चुनाव होता है वार्ड का, मैं वो वार्ड का चुनाव 2017 में लड़ा हूँ और उसके बाद मैंने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब लोकसभा का चुनाव, तो मैं वार्ड के चुनाव को भी जब लड़ा था तब भी मैंने उसको बहुत आसानी से नहीं लिया था। तो मैं किसी भी, आप राजनीति में कोई भी यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी आसानी से नहीं लेना चाहिए और जब आपका भाव कुछ पाने का नहीं है, सेवा का हो, तो वहाँ पर हार और जीत बहुत मायने नहीं रखता है। वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस क्षेत्र की सेवा का मौका दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जीत को लेकर एक आश्वस्त इसीलिए हम लोग सब हैं क्योंकि NDA के पास वो काफ़ी कंटेंट है और NDA इसीलिए भी आश्वस्त है कि हम लोग को पता है कि हम लोग 400 लोग जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे और हमारे प्रधानमंत्री का विजन क्या है और हमारे प्रधानमंत्री ने जो पहले कमिटमेंट किया उसमें कितने कमिटमेंट को पूरा किया, तो लोगों का विश्वास है, एक विजन है और चेहरा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है राजेश जी, बहुत मुमकिन है कि महागठबंधन की तरफ से महबूब अली कैसर हो, क्योंकि चर्चाएं कई तरह की होने वाली हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या कमजोर महसूस करेंगे राजेश जी, चुनौती आसान नहीं होगी? देखिए, कोई भी, यदि कोई भी कैंडिडेट होगा तो उसको बहुत आसानी से हम लोग लेते भी नहीं है और अगर महबूब अली केसर जी भी आएंगे तो अभिभावक है हमारे, हम लोग बिल्कुल उनके साथ हाथ जोड़कर चुनाव में। कॉम्पिटिटर भी होंगे? कॉम्पिटिटर, आमने सामने की लड़ाई होगी? देखिए, लड़ाई कोई भी होती है तो आमने सामने की होती है और अंजाम तक पहुंचते पहुंचते कोई एक हारेगा और कोई एक जीतेगा, तो मेरा ये मानना है कि उनके पास अनुभव है और हम लोगों के, राजेश जी के पास क्या है? हम लोगों के पास एक मजबूत संगठन और NDA का एक मजबूत विजन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का युवा जोश। अच्छा, कितने मतों से जीतिएगा, एक आखिरी सवाल, कितने मतों से जीतिएगा? देखिए, जीत ताल तो ठोक
लोग दी है, कितने मतों से जीत होगी? देखिए जीत जीत होती है, इसमें मत मेरे हिसाब से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कहा कि 14 से ज्यादा मजबूत 19 रहा है और 19 से ज्यादा मजबूत 24 रहेगा। और पहले दिन से आप रण क्षेत्र में देखिएगा कि हम लोग उस तरीके से चुनाव लड़ेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव को लड़ने का काम किया है। तो मुझे मेरे राष्ट्र अध्यक्ष जी का एक मजबूत साथ हमारे साथ है, एनडीए गठबंधन के जो जितने भी हमारे संगठन के मजबूत लोग हैं, एक मजबूत संगठन हम लोगों के साथ है, एक बड़ा विजन हम लोगों के साथ है, एक बड़ा प्रधानमंत्री जी का चेहरा, यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा हम लोगों के साथ है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हम लोग के अनुकूल है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, क्या कुछ कहा है राजेश वर्मा ने? तो हमने आपको बताया है कि आखिर चिराग पासवान ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया है, हमने आपको बताया है कि आखिर कारण क्या है, क्यों वीणा देवी और क्यों नहीं महबूब अली कैसर। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़।